लेकिन उधर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ तो बारिश नहीं हुई, तो ये कह रहे हैं कि क्या मतलब, कौन कह रहा है कि यहाँ रात में पानी डाला, कहाँ गए वो? गली बता दिया गया था, 55% जमीन पे ना पानी है, रात में डाला हुआ है ये पानी। उन्होंने कहा साथ सुनने में आया कि वो पाइपलाइन को लीकेज हो गया, इससे गंदी सरकार ना आई है ना आएगी। नहीं, ये कैसे कह सकते हो कि रात में पानी डाला? सर ये देखते देखो, ये अभी देखो, चलो हम दिखाते हैं आपको, इधर आओ। जो पानी डाला हुआ है एक ट्रैक्टरों से कैंटरों से भरकर डाला हुआ है, एक मेरे को बता दो, यहाँ आया देख लो, इधर देख लो ट्रैक्टर ट्राली के टायर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? अरे ये बताओ, ये बात तो सही, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अब जैसे यहाँ यहाँ जमीन बिल्कुल, बात मेरे से पूछो, ये ऊंची थां है, ये पंजाबी में हमारे कहावत है, पानी जब होता है वो टलान के ओर जाता है, ये पानी टलान के ओर गया हुआ है। तो यहाँ सूखा है, हाँ। और यहाँ पूरा ऐसे ये सारा पानी चीकड़ है और ट्रैक्टर ट्रालों से पानी भरकर डाला हुआ है, जाके दिखाओ, जाके दिखाओ, देख रहे हैं? जाओ माइक लो, आप बताओ। हाँ। ये क्या है? हाँ। ये टायर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये टायर दिख रहे हैं, ये सब ट्रैक्टर जो टायर है ये ट्रैक्टरों का कैंटर से पानी डाला हुआ है, सिर्फ किसानों को परेशान करने के लिए। अच्छा, अब ये मुझे पता नहीं है, मतलब ये लोग कह रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा लगा कि यहाँ कीचड़ कैसे हो गया यहाँ, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई है, बाकी जगह पानी नहीं है, सूखा हुआ है, तो यहाँ कीचड़ कैसे? तो लेकिन ये भी हो सकता है कि बारिश किसी दिन हुई होगी, पानी जमा होगा, किसी दिन में हुई होती तो इधर भी थोड़ा बहुत जगह गिल्ला होता, पूरी दिल्ली में कहीं पानी होता, सिर्फ रामलीला मैदान में ही पानी क्यों है? सिर्फ रामलीला मैदान में पानी क्यों है? रात को भरा रहा था, हम आए थे यहाँ 11 बजे आए थे हम, उसके बाद पानी आ रहा था यहाँ से, तो हमने रिक्वेस्ट की जाके उनसे कि भाई रात को किसान को आप परेशान कर रहे हो, मतलब रात में आपका पानी भरा गया? हाँ, रात में पानी भरा गया, टैंकर से लाके? बिल्कुल भरा गया, लेकिन मुझे लगता है आपने देखा ये? मैं रात को 11 बजे आया था जी। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट भी हूँ, साफ से गुजर, मेरा नाम हरियाणा यमुना नगर से आया था, मैंने व्यवस्था के लिए देखने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी पानी चल रहा है टेंट वालों ने, फिर मैंने जाकर उनसे प्रार्थना, पानी क्यों आ रहा है? कह रहे जी लीकेज आ रही है कहीं से, लेकिन वो जानबूझ के घटियापन दिखाया गया, लेकिन ये पानी से डरने वाला किसान, अरे गांव गोले बारूद से नहीं डरा किसान, देश का उसको पानी से डराने का काम करेंगे आप? मोदी जी, ये देश का किसान आपकी मन की बात सुनने के लिए आया, 2014 में कहा था मन की बात सुनिए, दिल्ली में बैठा हूं, देश का किसान दिल्ली में आपके वो कान ढूंढ रहा है जहां पर आपकी मन की बात सुनने का काम करते हैं, और मेरे देश के किसान को नक्सलवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी बोलने का काम किया, राहों में किले बिछाने का काम किया, मोदी जी को 2 पंक्तियां सुनाने का काम करूंगा, अगर मेरी मोदी जी पंक्तियां सुनने का काम कर रहे होंगे, कि मोदी जी बिन बुलाए बिरयानी तो आपने खाई थी, चाइना को पाल की आपने जुलाई थी, लाल आंख दिखानी थी दुश्मन को, किले बिछानी थी दुश्मन की राहों में, मेरे किसानों की राहों में बिछाई है, मोदी जी आपने 56 इंची दिखाने की बजाय अपनी पीठ दिखाई है, और रात को पीठ दिखाकर दोबारा से फिर मोदी सरकार यहां आई है। आप किसानों के आंदोलन में, आप तो एडवोकेट हो, तो आप मैं किस परिवार से किसान हूं, पैसे से वकील हूं, और देश के किसान का बेटा एडवोकेट, पत्रकार, डॉक्टर, व्यापारी, दुकानदार हो सके के मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हो सकता है, फौजी भी है, और सबसे बड़ा देश का किसान फौजी है, इन्होंने तो मेरे देश के किसानों को भी फौजी के ऊपर भी मतलब गद्दारी लगाने का काम किया। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, मेरे देश का किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, फहराया नहीं तिरंगा अपने मुख्यालय पर, इससे ज्यादा क्या अपमान होगा? अरे लिपट कर आता देश के किसान का बेटा तिरंगे में, इससे ज्यादा क्या सम्मान होगा? मेरे देश का किसान का बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है, उस तिरंगे के अंदर जिसके लिए अपनी जान देने का काम करता है, मेरे देश का किसान गद्दार नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन लोगों की नाराजगी इससे है और वाजिब है, मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। ये तो है ही, ये तो कल साफ था जब ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही थी किसानों के लिए, पंचायत के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा था, उस टाइम भी यहाँ साफ सुथरा मैदान था, रात को ये घटना करी गई है कल शाम को, ताकि किसान अच्छे से बैठ न सके। जितने किसान यहाँ है, इससे ज्यादा दूनी संख्या में हमारे किसान बाहर सड़कों पे बैठे हैं। ये बताओ, ये कैसे करो, मैं समझना चाह रहा हूँ, ये पानी है यहाँ पे और कीचड़ है, बीच में बहुत सारे सब किसानों ने टैंकर से छोड़ा गया रात को, टैंकर से छोड़ा गया ये पानी, हमारे गद्दे जो ये मेट बिछाए गए थे वो भी उखाड़े गए यहाँ से, या पूरे मैदान में मेट थे कल। अच्छा। कल शाम तक हमारी कार्रवाई पूरी तैयार हो गई थी, पंचायत के लिए पूरी तैयारी थी, पर रात को ये हटा के ये टैंकर से छोड़ा गया, ताकि किसान यहाँ आकर जमावड़ा न कर सके, और जमावड़ा हो गया तो पूरे देश के अंदर अखबारों के माध्यम से लोकल जो मीडिया है, यूट्यूबर है, और जो सच्चे पत्रकार है वो दिखाने का काम करेंगे, वो जो सच्चे पत्रकार है वो दिखाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अनिल बेंदा, मैं अखिल भारतीय किसान प्रधान हूँ, आदमपुर जिला हिसार और हरियाणा। एक मिनट आप लोग यही रुको, इधर आओ अनिल, इधर आओ, इधर आओ, देखने के लिए ये देखिए, ये पूरा यही रुको, अब ये कीचड़ है, तो ये किसानों का कहना है, एक मिनट आप रुकना, किसानों का कहना है कि यहाँ
रात में पानी छोड़ा गया। हालांकि देखिए सामने स्टेज है और स्टेज के पास ये ऐसे ये बल्ले लगाए गए हैं, वो दिखाओ आप, वो बल्ले लगाए गए हैं और यहाँ से ऐसे इन्होंने पंडाल के लिए बल्ले लगाए होंगे। अब इन बल्लों के बीच में कब लगाया गया पता है आपको? ये कल सुबह बल्ले, परसों के ये टेंट काटने का काम चल रहा था जी, आप कल तैयार हो चुकी थी ये मैदान, कल तैयार था सजावट के तौर पे, रात को ये उखाड़े गए हैं, फेंके भी गए हैं और जो मेट यहाँ बिछाए गए थे उन मेटों को भी फेंका गया है ताकि पानी छोड़ा जाए। ये गलत बात भी हो सकती है, आप ये मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कहने का आधार क्या है? ये कहने का आधार ये है कि हिंदुस्तान का जो आपका है, मैं पूछ रहा हूँ आपने देखा है, आपको पता है? मैंने देखा है, कल आप मीडिया के माध्यम से, यूट्यूबरों के माध्यम से, जो किसानों के आईटी सेल है उनके माध्यम से आप इसकी खोज कर सकते हो और निडर होकर देख खा सकते हो ये चीज भाई, कल ये मैदान भरपूर और सूखा था या नहीं था, अच्छा था या हरा भरा नहीं था, रात को ये पानी, कल शाम को ये पानी छोड़ा गया है, जैसे टीम एक बार साइड में हुई उसी टाइम, क्योंकि लोग पंजाब कैसे पानी छोड़ेगा या कैसे पानी लाया? ये टैंकर से छोड़ा गया, ट्रैक्टर जो होता है ना गाड़ी, ट्रैक्टर के पीछे जो टैंकर होता है, ट्राली होती है, जो टैंकर छोटा टैंकर होता है, जो वीटा जैसे टैंकर दूध का जो और पानी के लिए स्पेशल गाड़ियों पे जो टैंकर बनते हैं दिल्ली के अंदर छोटे छोटे, उनसे छोड़ा गया। आप पानी नहीं है जी, ये पानी तो कुछ भी नहीं है, किसान तो है ना इतना पानी में पूरी रात माइनस टेम्परेचर में ही खड़े रहता है, तो किसान अपने हक हकूक के लिए आंदोलन करेगा, पानी और बढ़वा दो, हम डरने वाले नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बात ये जो कह रहे हैं ये सही है या पानी कहीं और से आया या बारिश का दो चार दस दिन पहले किसी दिन? सर आप ये, मैं आपकी भी छोड़ो हमारी भी छोड़ो, हम तो किसान हैं, मैं तो हमारी तो देश में कोई सुनने वाला ही नहीं रहा, जब किसान खुद का पूरा मजबूत जत्था तैयार नहीं होगा तब तक यहाँ ये जो पहले आका बैठे हैं तानाशाही कर रहे हैं ये सुनने वाले नहीं, इनके कानों से बह रहे हैं, आंखों से अंधे हो रहे हैं, मगर कल शाम तक 5 बजे तक आप यहाँ की डिटेल ले सकते हो, ये सूखा था या गिल्ला था मैदान। चलिए मैं अपने वीडियो में ये पोस्ट करूँगा, मैं नहीं जानता ये किसान लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी कल शाम को छोड़ा गया टैंकर, हरियाणा से हिसार डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, हमारे यहाँ ये प्रोपगंडा तो चला ही रहे ना, बीजेपी की सरकार है हमारे हरियाणा के अंदर, वो जो तानाशाह ये राजा है ये अपने वोटों के लिए, वोट की गंठड़ी बनाने के लिए, पोटली बनाने के लिए खट्टर को हटाकर एक संदेश देना चाह रहा जनता को, ताकि जनता दोबारा जुमलाबाज में फंस जाए और वोट दे दे, पर ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की, हमारे हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था वो भी एक चाल के माध्यम से तोड़ा गया है, और खट्टर को जो खट्टर से हरियाणा तो संभला ही नहीं गया है, हरियाणा के किसानों का मुआवजा बीमा 2020, 2021, 2022 और 2023 का, हरियाणा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, पूरे हिंदुस्तान की जो फसल बर्बाद हो गई थी बीज के कारण और ओलावृष्टि के कारण और सूखाग्रस्त के कारण जो फसलें बर्बाद हो गई थी वो तो संभली ही नहीं गई है खट्टर से, उसको रात की एक न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं भाई पंजाब का, उसको गवर्नर बनाने की बात चल रही है। चलो तो जो भी मोदी जी कर रहे हैं, पर ये देश जो नहीं समझ रहा तो ये छोड़ के साइड में बैठ सकते हैं, देश में को संभालने वाले बहुत लोग। आप कहाँ से आओ? पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट जलंधर पंजाब से। हाँ तो कब आए आप यहाँ? कल शाम को भी आए थे। तो आज शाम को कल आए तो क्या ये कीचड़ था? ये कल जब हम दोपहर को आए थे उस टाइम ये साफ था। अच्छा पक्का? हाँ पक्का, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। रात को इन्होंने ये पानी छोड़कर इस रैली को नाकामयाब करने के लिए, खंडिया पुंडिया दिखाने के लिए यह साजिश रची। ये कैसे आप कर रहे हो? आपने देखा पानी छोड़ते हुए? पानी छोड़ते हुए हमने नहीं देखा, हमने उससे पहले देखा, दोपहर में देखा आपने। सूखा था। क्या शुभ नाम बताया आपने? गुरचरण सिंह चाल, जन सेक्टरी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह, जिला जलंधर। तो आपने कहा कि दोपहर में यहाँ पानी नहीं था और शाम को पानी आ गया? पानी आ गया। ये कहाँ से पानी? उसके बाद क्या हुआ? स्टेज के सामने भी बहुत जगह पानी है, कीचड़ है, तो किसानों ने इंतजाम किया उसके ऊपर जो है कारपेट बिछाकर उस पर बैठे गीला करके, क्योंकि कीचड़ में नहीं बैठ सकते। सीलिंग लगी हुई है ना, आप सीलिंग दिखा सकते हो? जहाँ तक ये सीलिंग लग रही है उसके अंदर अंदर यहाँ कॉर्पोरेट मेट बिछाए हुए थे। अच्छा, ये पानी की ये, ये, ये जो ये जो लगा हुआ है, ये बल्ले जो लोहे के रॉड लोहे के खंभे हैं लगाई हुई थी, इसलिए इसमें मेट बिछे हुए थे, इन्होंने रात को उखाड़े हैं और ये पानी छोड़ा गया है। ट्रैक्टर से मत आओ, हम बसों से रेल से आए, अब भी हमारे साथ आतंकवादी और चलिए। तो ये बताओ साहब जी, तो अब ये लड़ाई तो इतनी आसान तो है नहीं, वहाँ तब तो 13 महीने बैठे तो चलो कृषि कानून वापस हुआ, अब ये आज मान लो रामलीला मैदान में 5-6 घंटे भाषण हो जाएगा तो उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है, चुनाव है, ये तो देश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम
जो तानाशाह किसानों मजदूरों को कुचल रहा है और कारपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रहा है, उसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लोग जीतेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे, लोग जीतेंगे। हमें 6 मिनट की कविता है। कविता